कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अहम रणनीतियां बनाई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन दूसरी ही तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की रणनीति ये है कि कैसे भी करके महागठबंधन किया जाए। और ऐसे में अहम फैसला यही लिया गया है कि विपक्षी दल अब बिहार में 23 जून के दिन एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने के मद्देनजर 23 जून को पटना में एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार की राजधानी पहुँचने वाले हैं। जानकारी दे दें कि दोनों ही नेताओं के पटना आगमन को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि दोनों नेता पटना हवाई अड्डे से सीधे कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान दोनों नेता प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार बिहार आ रहे हैं और दोनों नेताओं के स्वागत के लिए कुछ विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। बताया गया है कि सदाकत आश्रम के बाद दोनों नेता विपक्षी दलों के आयोजित बैठक में शामिल होंगे। मालूम हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 23 जून को अहम बैठक होगी और 15 से अधिक दलों के नेताओं के भाग लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखते हैं क्या वाकई में यहां पर नीतीश कुमार सभी दलों को एकजुट कर पाएंगे। बीते पिछले साल नीतीश कुमार अलग हो गए भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी को केंद्र से सत्ता से हटाने के लिए वह तमाम विपक्षी दलों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस खेमा सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर सभी का यही कहना है कि अगर महागठबंधन हो जाता है तो केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। आखिरकार इस महागठबंधन के फायदे नजर आते हैं या फिर नहीं, ये 2024 में ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।